उसके बाद सुशील मोदी लगातार हमलावर है, आप लोग अति पिछड़ा विरोधी बता रहे हैं आप। सुशील मोदी के हमलावर इसलिए है कि पूरा बिहार में वो एक्सपोज हो गया कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी, भारतीय जनता पार्टी ने इस आरक्षण को खत्म करने कराने की साजिश की, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखा है, उसमें उन्होंने भी कहा कि प्रधानमंत्री के साथ बिहार के अति पिछड़ा वर्ग है। कहा का प्रधानमंत्री के साथ बिहार के अति पिछड़े वर्ग के लोग रहेंगे, बिहार के अति पिछड़े वर्ग के लोगों की शक्ति नीतीश कुमार की, बिहार के अति पिछड़े वर्ग के लोगों की पहचान नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़े वर्ग को बिहार में सशक्त किया, उनको सम्मान दिया, उनको समाज के मुख्य धारा में लाने का काम किया। वो काहे के लिए देखेगा इस देश के आज प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी मोदी जी, श्री सुशील मोदी जी, मोदी जी तो दोनों है। एक बार तो कहे थे सुशील मोदी जी कि एक मोदी के रहते दूसरा मोदी का बिहार में क्या जरूरत है। तो हम श्री सुशील मोदी जी से कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जिस समाज से आते हैं वो गुजरात के पिछड़ा वर्ग में था क्या? नहीं था। जब श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपने समाज को पिछड़े वर्ग में शामिल किया और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, चेहरा और सोच आरक्षण विरोधी है। आप आरक्षण को समाप्त कराना चाहते हैं, गुजरात में आपने समाप्त करा दिया, आप क्यों नहीं सफाई देते हैं? साहस है तो बोलिए ना कि गुजरात में अक्टूबर 2021 में जो चुनाव हुआ उसमें आरक्षण लागू था, आप बोलिए अगर आपको ये साहस है तो। और अगर आरक्षण लागू नहीं था तो ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है और बिहार में भी उसने साजिश करके अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण को समाप्त कराने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है, वो जान लीजिए, नीतीश कुमार जी अति पिछड़े वर्ग के ताकत की ताकत है और जब तक नीतीश कुमार जी हैं अति पिछड़े वर्ग के हितों के साथ कोई समझौता नहीं।